हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। चलिए बच्चों, आज एक बार फिर से हम बात करते हैं क्लास 12 फिजिक्स की। क्लास 12 फिजिक्स में हम आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, चुंबकत्व एवं द्रव्य मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो चौथे लेक्चर में बच्चों मैं आपको सिखाऊंगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताने वाला हूं। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और यहां से क्वेश्चंस जो है बोर्ड्स के एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, बिल्कुल बनते हैं। तो चलिए आज एक बार फिर से एक छोटी सी प्यारी सी क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की क्लास बच्चों। छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे पास में, सबसे पहले हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, उनके जो गुण है बच्चों, वो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, असमान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, थोड़ा सा जाते जाते उसके बारे में भी नॉलेजमेंट ले लेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर हम आते हैं इसके डेफिनेशन में, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड में खींची गई बोलते हैं काल्पनिक रेखाएं होती है। कैसी रेखाएं होती है, काल्पनिक। और माना जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो एकांक उत्तरी ध्रुव जो रहता है ना, तो जहां एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है, गमन मतलब क्या होता है, चलना जाना, तो जिस पथ पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है उसी को हम क्या कहते हैं, बोलते हैं उसके पथ को, उसके रास्ते को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करूं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा, देखिए ऐसे लिखेंगे आप कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह वक्राकार पथ है जिस पर कोई काल्पनिक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है। ये काल्पनिक रेखा होती है। ये एकांक उत्तरी ध्रुव जिस दिशा में चलती है बोल सकते हैं, या जिस पथ पर, पथ मतलब समझते हैं ना रास्ता, जिस रास्ते पर चलती बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। इसके पहले आपने पढ़ चुका है चैप्टर नंबर 1 में विद्युत आवेश और क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखा। जैसे वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखा थी, वैसी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। अथवा ये भी एक डेफिनेशन हो सकता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा वह काल्पनिक वक्र है जिसकी किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, ठीक है, उस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र रहता है बच्चों, उस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र रहता है, ठीक है, यहां थोड़ा सा एक डेफिनेशन में एक चीज चेंज करूंगा, ठीक है, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती बोलते हैं, प्रदर्शित करती है। कैसे बोलेंगे, देखो इधर अगर ये कोई एक छोटा सा मैं डायग्राम बनाना चाहूंगा, ठीक है, ये अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बच्चों, ये कोई अगर मान के चले ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कुछ पॉइंट्स ले लूं, इन पर मैं कुछ पॉइंट्स ले लूं, ठीक है, यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स ले लूं बच्चों, ये जैसे मैंने एक बिंदु ले लिया बच्चों P, ठीक है, एक बिंदु P ले लिया, तो ये क्या करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अगर हम यहां पास में फिर से देखो, अगर मैं एक पॉइंट ओ ले लेता हूं बच्चों, तो इस पर अगर मैं एक ऐसे इस तरह से बच्चों, अगर मैं यहां स्पर्श करती हुई रेखा खींचू, तो ये कहां पास में, ओ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आई डेफिनेशन से, किसी चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा वह काल्पनिक वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो एग्जाम में तो इन दोनों में से कोई एक डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आप ये दोनों डेफिनेशन देख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों डेफिनेशन देख सकते हैं, कोई एक आप एग्जाम में लिख सकते हैं बच्चों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है बच्चों, वो होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, सबसे पहला जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो सबसे पहली उसकी गुण है बच्चों, उसको सुनिएगा ध्यानपूर्वक। पहले नंबर पर क्या बोलते हैं कि इनकी दिशा, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती बच्चों, चुंबक के बाहर में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, ये बच्चों नॉर्थ पोल, ठीक है, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है और साउथ पोल पर जाकर क्या होती है बच्चों, समाप्त होती है।
हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब भी आप देखेंगे तो यह चीज याद रखना, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं रहती है वो एन पोल से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है और एस पोल की ओर जाती हुई दिखाई देती है और एस पोल पर समाप्त होती है। या बोल सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन पोल से एस पोल जाती है, कहां? चुंबक के बाहर। अब देखो यहां इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ टू साउथ पोल जाती है चुंबक के बाहर और चुंबक के अंदर। बच्चों अगर हम बात करें चुंबक के अंदर, तो चुंबक के अंदर ये साउथ टू नॉर्थ जाती है और इस तरह से ये क्लोज्ड कर्व बनाती है। क्या बनाती है? बंद वक्र बनाती है, क्लोज्ड कर्व बनाती है। यहां पर देखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा जो हमने पहले पढ़ चुका है बच्चों, और चुंबकीय क्षेत्र रेखा, इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ना, यही होता है भाई। क्या होता है मालूम? सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है बच्चों कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, वो हमने पढ़ा था कि धनावेश से चलना शुरू करती है, ऋणावेश पर जाती है, पॉजिटिव से निकलती है और निगेटिव पर जाती है, ये हमने पढ़ा था वहां। ठीक है, बिल्कुल आपको मालूम होगा ये चीज, क्लियर है? तो वो पॉजिटिव टू निगेटिव जाती थी, निगेटिव टू पॉजिटिव वापस नहीं आती थी। ठीक है, वो जाती थी धनावेश से ऋणावेश तक। ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये नॉर्थ टू साउथ जा रही है और वापस आ रही है साउथ टू नॉर्थ। तो ये कैसे हो गया? ये एक बंद वक्र का निर्माण करती है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र का। क्यों? क्योंकि वो केवल धनावेश से ऋणावेश जाती है। बात मेरी समझ में आई? सबसे बड़ा अंतर विद्युत क्षेत्र रेखा और चुंबकीय क्षेत्र रेखा का, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद वक्र बनाती है। क्यों बंद वक्र बनाती है? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से चलना शुरू करती है, दक्षिणी ध्रुव तक जाती है, और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से कहां आती है? उत्तरी ध्रुव आती है। इसलिए ये क्या बनाती है बच्चों? बंद वक्र बनाती है। और विद्युत क्षेत्र रेखा वो धनावेश से चलती है, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, तो एक खुला वक्र बनाती है। बिल्कुल मेरी बात आप सभी बच्चों को समझ में आई होगी। आगे बढ़ता हूं बच्चों यहीं से। दूसरा गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। यह मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा, अगर यह कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बच्चों इसकी किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे बिंदु P है, P पर खींची गई स्पर्श रेखा वहां पर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, Q पर खींची गई रेखा वो भी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी, और R पर खींची गई स्पर्श रेखा भी क्या करेगी? एक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। बात समझ में आई आपको? आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स में अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या बोलते हैं कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कौन सी क्षेत्र रेखाएं? ये प्रश्न विद्युत में भी था, चुंबक में भी है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखाएं, कितने स्पर्श रेखाएं बच्चों? दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जिसका अर्थ है उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की कितनी दिशाएं? दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। अतः दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, याद रखिएगा। देखो इधर, अगर कोई दो क्षेत्र रेखाएं इस तरह से एक दूसरे को काट रही बच्चों, तो ये कटान बिंदु आए, ठीक है, ये कटान बिंदु आए इस कटान बिंदु पर, ठीक है, जो प्रतिच्छेदी बिंदु है उस पर हम इस तरह से बच्चों कितनी स्पर्श रेखाएं? दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम? दो, जो कि पॉसिबल नहीं है। इधर भी मैग्नेटिक फील्ड और इधर भी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये संभव है क्या? नहीं, एक बिंदु पर एक ही क्या होगी बच्चों? एक ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? अगर काटेगी तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होगी, जो कि व्यवहार में संभव नहीं होता है। यह आपको आंसर लिखना है। अतः दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। बात समझ में आई? आगे बढ़े चलिए। फोर्थ पॉइंट, अधिक तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी वहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन। सघन मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो कैसे रहेंगी बच्चों? ज्यादा रहेंगी। ठीक है, कैसे? इस जगह पर देखिए, इस जगह की अगर हम बात करें तो इस जगह पर आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, इस जगह पर आपको दिखाई दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या ज्यादा है, बहुत सारी, 1 2 3 4 5 देख सकते हैं आप।
ठीक है। तो यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अधिक होगा, उसकी तीव्रता अधिक होगी। और थोड़ा सा आगे जाएंगे, इधर देखिए, इधर कम दिखाई दे रही, मतलब यहां चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, कमजोर है। तो यही पॉइंट है कि अधिक तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, सघन होती है, और कम तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में कैसी होती है, विरल। विरल मतलब कम। बात समझ में आई आप सभी को, मैंने क्या बोला, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी वहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक होगी, सघन होंगे वो। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम है बच्चों, वहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम होगी, विरल होगा वो। जगह कैसा होगा बच्चों, विरल होगा। फिफ्थ, ये क्षेत्र रेखाएं खींची हुई डोरी के समान लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। किसमें सिकुड़ने का प्रयास करती है, लंबाई में। यही कारण है कि विजाती ध्रुवों में क्या होता है बच्चों, आकर्षण होता है, एन पोल और एस पोल। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन पोल से निकल रही है, एस पोल की ओर जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों पास आना चाह रहे हैं। एन से निकलकर एस की ओर जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है बच्चों कि क्षेत्र रेखाओं को देखने पर कि ये लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे सिकुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि पास आना चाहते हैं एक दूसरे के। तो ये, और यही से हमको पता चलता है कि जो अनलाइक पोल्स हैं, अनलाइक पोल्स मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में हम अनलाइक पोल्स को बच्चों, विजाती ध्रुव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। और वैसे ही छठवां पॉइंट कि ये रेखाएं जो होती है एक दूसरे को लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित करती हैं। अगर सजाती आवेश हो गया, लाइक पोल्स हो गए बच्चों, जैसे N और S और S, तो क्या होती है, ये दोनों एक दूसरे से क्या जाना चाहेगी, दूर जाना चाहेगी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों दूर जा रही है, दूर तो जाएगी भाई, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन से निकलती है एस की ओर जाती है, एन से निकलती है एस की ओर जाएगी, तो यहां तो सामने एन नहीं है, सॉरी सामने एस नहीं है, एस नहीं है तो क्या है, एन है, तो ये दूर जाना चाहेगी। ठीक है, एन से निकलेगी एस की ओर जाना चाहेगी, तो ऐसा लगेगा कि एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। तो इसी को लिखा है कि ये रेखाएं एक दूसरे को लंबाई के लंबवत क्या करती बच्चों, प्रतिकर्षित करती हैं। यही कारण है कि सजातीय ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। सजातीय ध्रुवों में क्या होता है बच्चों, प्रतिकर्षण होता है। बात समझ में आई होगी बिल्कुल। आगे ये तो हो गया, यहां तक बस इतना ही है प्रॉपर्टीज, याद रखिएगा। एक लास्ट पॉइंट, ठीक है, जाते जाते बच्चों एक आखिरी बात, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा समान हो तो उस चुंबकीय क्षेत्र को एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यहां पर देखिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई दे रही है, ये सभी के सभी बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनका मैग्नेट्यूड परिमाण आपको बराबर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और दिशा भी एक समान दिखाई दे रही है, तो इसे बच्चों हम क्या बोलेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। एक समान क्या बोलेंगे बच्चों, हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। और ये बच्चों मैग्नेट्यूड्स भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं और दिशाएं भी अलग अलग है बच्चों, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा असमान चुंबकीय क्षेत्र। ये कहलाएगा बच्चों असमान चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ में आई होगी बिल्कुल आप सभी को, क्लियर है। हाँ तो चलिए, मैंने बताया था वन डे वन टॉपिक हमको करना है बच्चों, तो आज की क्लास बस इतनी ही रखते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे बच्चों लेक्चर नंबर 5 में। तो अगले क्लास की अगर मैं बात करूं कि लेक्चर नंबर 5 में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ठीक है, तो लेक्चर नंबर 5 में मैं आपको बताऊंगा बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में। क्या देखेंगे हम, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में ये देखेंगे। अगर आपको हमारी क्लास की पीडीएफ चाहिए बच्चों तो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम है बच्चों गोपाल सर फिजिक्स डाउटनेट। वहां से आपको हमारी जितनी लाइव क्लासेस होती है उसकी पीडीएफ, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट है तो वहां हम आपकी जो परेशानी उसको सॉल्व कर सकते हैं, और आपको जितने भी नोट्स चाहिए वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में।